बाबर ने अपने जीवन काल में ही अपने भारतीय साम्राज्य को चारों बेटों के बीच बांट दिया था, जिसके मुताबिक हुमायूं को दिल्ली और कामरान को काबुल और कांधार का शासक बनाया गया था। बाबर की मौत के बाद हुमायूं ने आज्ञाकारी बेटे की तरह अपने पिता की इच्छा का पालन किया, लेकिन उसके भाई इस विभाजन से संतुष्ट नहीं थे। उन सबको दिल्ली की गद्दी चाहिए थी। हुमायूं भी दिल्ली की गद्दी संभाल नहीं सका और चौसा की लड़ाई में शेरशाह के हाथों हार कर भाग गया। शेरशाह की मौत के बाद वो फिर वापस लौटा, लेकिन इस बार फिर उसे शिकस्त खानी पड़ी। राजपूत राजा मालदेव ने उसे हरा दिया और हुमायूं दर दर भटकने को मजबूर हो गया। मालदेव से हार कर जब हुमायूं काबुल की तरफ भाग रहा था, तभी रेगिस्तान में अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं नवजात अकबर को लेकर काबुल के रास्ते फारस के शाह की शरण में जाना चाहता था। हुमायूं के भाई कामरान ने काबुल में उसका रास्ता रोक लिया। फटेहाल हुमायूं युद्ध क्या करता, उसे वहां से भागना पड़ा। कामरान ने अकबर को कैद कर लिया। हुमायूं की किस्मत अच्छी थी कि फारस के शाह ने उसकी मदद करना स्वीकार कर लिया। उसने शाह से वादा किया कि वो काबुल और कांधार जीतकर उसे तोहफे में देगा। कांधार और काबुल में कामरान का शासन था। हुमायूं फारस की सेनाओं के साथ काबुल पर चढ़ाया। हुमायूं ने काबुल को बुरी तरह घेर रखा था और कामरान को जब अपनी हार निश्चित नजर आने लगी, तो उसने तुरुप का पत्ता चलते हुए 2 साल के अकबर को किले के ऊपर बांधकर हुमायूं की आग उगलती तोपों के सामने कर दिया, ताकि हुमायूं किले पर तोपें ना दाग सके। लेकिन हुमायूं के सैनिक पीछे से किले पर चढ़ गए और उन्होंने अकबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस लड़ाई में कामरान पराजित हुआ। हुमायूं ने उसे पकड़कर सजाए मौत देने के बजाय उसकी आंखें निकलवा ली, जिसके बाद कामरान मक्का चला गया और वहीं उसकी मौत हो गई।